No. इसराइल हमास जंग और फिर इसराइल ईरान के बढ़ते तनाव ने मिडिल ईस्ट में भूचाल लाकर रख दिया है। दोनों ही विवाद में एक देश का नाम कॉमन है, यानी इसराइल, जो फिलहाल चौतरफा मोर्चों पर जंग लड़ने को मजबूर है। जंगी मैदान में इसराइल के मुश्किल हालातों के बीच अमेरिका रीढ़ बनकर डटा हुआ है। दावा है कि अमेरिका ने इसराइल की हर तरीके से मदद कर हमास और उसके सहयोगियों पर दबाव बना रहा है। हालांकि अमेरिकी गतिविधियों के चलते अब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर आ पहुंचा है। दरअसल ईरान के हाल में इसराइल पर भीषण हवाई हमले के बाद यूएई, सऊदी जैसे अरब मुल्कों ने अमेरिका को खुले तौर पर कह दिया है कि ईरान पर जवाबी हमले या फिर इराक और यमन पर हमले के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल ना किया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो अब अमेरिका अपने लड़ाकू जेट, सशस्त्र ड्रोन और अन्य विमानों को यूएई में अपने एयरबेस के बड़े पैमाने पर कतर भेज रहा है। दावा है कि अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट की आग और भड़क सकती है। ईरान अक्सर अमेरिका पर क्षेत्रीय तनाव को भड़काने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराता रहता है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की बड़े स्तर पर रीपोजिशनिंग पॉलिसी बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में आई है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल को बढ़ा दिया है। यूएई ने फरवरी में अमेरिका को कहा था कि वह अब अमेरिकी युद्धक विमानों और ड्रोनों को अमीराती अधिकारियों की पूर्व जानकारी के बिना अल धफरा एयरबेस से यमन और इराक में टारगेट के खिलाफ हमले की अनुमति नहीं देगा। खास बात है कि इजरायली युद्ध के चलते फिलिस्तीन के समर्थन में सैन्य अभियानों की ऐसी सीरीज शुरू हुई है जिससे इजरायल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लेबनान, इराक, यमन, सीरिया और बहरीन में प्रतिरोधी की धुरी के सदस्यों ने इजरायल पर भीषण हमलों को बढ़ाया है। इस बीच इजरायल के सबसे कट्टर दोस्त अमेरिका ने यमन, इराक और सीरिया के खिलाफ आक्रामकता शुरू करने के लिए पश्चिम एशिया में पर्याप्त सेना तैनात की है। गौरतलब है कि अमेरिका अरब मुल्कों का सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सऊदी से लेकर यूएई और ओमान तक में उसकी मिलिट्री बेस है, जहां ईरान को ध्यान में रखकर उसने दशकों में भारी निवेश किया है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका भी मानता है कि ईरान समर्थित यमन, इराक और सीरिया में हमले के लिए खाड़ी मुल्कों में बने मिलिट्री बेस कारगर लॉन्चिंग पैड साबित हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने करीब 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। इनमें से अधिकतर सैनिक खासतौर पर खाड़ी मुल्कों में हैं, जहां अमेरिका के कई रणनीतिक एयर और नेवल बेस भी हैं। बताया जा रहा है कि यूएई को डर है कि उसके इलाके से शुरू किए गए अमेरिकी सैन्य अभियानों के चलते उसे प्रतिरोध की धुरी की ओर से निशाना बनाया जा सकता है। एक अधिकारी ने दावा किया कि यूएई की ओर से लगाए गए प्रतिबंध आत्म सुरक्षा के नजरिए से है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि अमेरिका के इस कदम पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। दरअसल अमेरिकी एयरबेस के यूएई से कतर शिफ्ट होने से अमेरिका ईरान के नजदीक आ गया है, जो ईरान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है और मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने की एक और वजह बन सकता है।